और अब आपको बताएं कि भारतीय फौज कितनी दमदार और कितनी काबिल है। भारतीय फौज का पोल भारतीय फौजी ने ही खोल दिया। फौजी तेज बहादुर यादव का कहना है कि जवानों को खाने को ना खाना मिलता है और ना ही पीने को पानी मिलता है। मजीद उसने कहा कि खाली पेट ड्यूटी दें तो कैसे दें, जो राशन आता है अफसरान खा पी जाते हैं। इस दिलजले फौजी जवान ने भारतीय फौज की असल हकीकत दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बनाकर नेट पर ही अपलोड कर दी। आप भी ये वीडियो देखिए। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। सूप में कड़वी चाय के साथ जला हुआ पराठा, दोपहर को नमक और हल्दी डली पतली सी दाल, हल्की हल्की सिर्फ दो चपातियां, शाम को खाने को मिल गया तो गनीमत। ये है भारतीय फौज को दिया जाने वाला खाना, जिसका भांडा फोड़ा एक दिल जले फौजी ने। एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। तेज बहादुर यादव ने न सिर्फ अपना वीडियो पैगाम फेसबुक पर पोस्ट किया, बल्कि फौज को मिलने वाले खाने की वीडियो भी दुनिया को दिखा दी। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं। तेज बहादुर ने इंकशाफ किया कि भारतीय फौज के गोदाम दो खुराक से भरे होते हैं, लेकिन बड़े अफसर उन्हें बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। सिपाही को खाने को कुछ नहीं दिया जाता। भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वैसा बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। बीएसएफ एहलकार ने खदशा जाहिर किया है कि दुनिया को सच बताने की पादाश में उसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है।